एपिसोड की शुरुआत होती है हम देखते डियाबोलर्स के साथियों को जो कि जरकोन टावर सिटी तक पहुंच चुके होते हैं। बीच में ये भटक भी गए थे, इसी वजह से इन्हें एक हफ्ता लगा यहाँ आने में। लोमा डियाबोलो को कहती हम पहुंचने वाले, वो डियाबोलो से कहती है उसकी वजह से डियाबोलो को इतना कुछ झेलना पड़ा। फिर डियाबोलो कहता है ये जर्नी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, पर असलियत में तो डियाबोलो काफी ज्यादा घबरा चुका था। पर किसी तरह ये लोग जरकोन टावर सिटी तक पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं डियाबोलो और पूरे ग्रुप को जो कि जरकोन टावर सिटी में घूम रहे होते हैं। उतने में शेराइन सबको कहती है जगह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ के लोग काफी ज्यादा भूखे लग रहे हैं। उतने में एक बच्चे डियाबोलो से टकरा जाती है। डियाबोलो से पूछता है कि आखिरकार इसे क्या चाहिए। ये से बताती है कि पास ही में एक डेंजोंग डिस्कवर हुआ है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो इसे वो गाइड कर सकती है। इस लड़के का नाम हॉन होता है, उस डेंजोंग के बारे में इसे सब कुछ पता होता है। तो डियाबोलो पूछता है कि किस तरह का डेंजोंग। ये से बताती है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और उसकी एंट्रेंस देख के तुम समझ जाओगे वो क्या है। तो डियाबोलो इसे पूछता है कि उस डेंजोंग में 13 फ्लोर है। ये से कहती है कि मुझे वो बिल्कुल नहीं पता क्योंकि आज तक कोई भी 13 फ्लोर तक नहीं जा पाया है, मैक्सिमम लोग सिर्फ 4th फ्लोर में ही जा पाए। तो डियाबोलो पूछता है कि 4th फ्लोर में एंटर करने के लिए तुम्हें स्लाइम मारने पड़ता है, वो भी रंग बिरंगे। ये से कहती है आखिरकार डियाबोलो को इस डेंजोंग के बारे में इतना कुछ कैसे पता, इतना तो हॉर्न को भी नहीं पता, आखिरकार डियाबोलो है कौन। उतने में डियाबोलो को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो लोमा किसी आदमी से बहस कर रही होती है। डियाबोलो सोचता है लोमा अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रही है। दरअसल लोमा इस आदमी से एक बच्चे की लाइफ को लेकर लड़ रही होती है। दरअसल बच्चे को हील करने की जरूरत होती है वरना वो मारा जाएगा, उसकी माँ भी यही कह रही होती है। पर ये गाड़ी से कहता है कि प्रीस तुम्हें जब ही हील करेंगे जब तुम अच्छा डोनेशन दोगे। हॉन इसे बताती कि आदमी पैलेडिन ब्रिगेड के ग्रुप में से है और यूनी का एक आदमी है जो कि एक सोल्जर है चर्च का। उतरे हम देखते हैं लोमा इस आदमी को बताती है ये हेड पैलेडिन बटूटा से मिलने के लिए यहाँ पे आए है, पर यहाँ भी आदमी इसकी बातों का विश्वास नहीं करता और इसका मुंह बंद करने के लिए कहता है इसे और कहता है कि तुम जैसे एडवेंचरर हमारे हेड से मिलना चाहती हो। लोमा इसे बताने लग जाती है कि क्या क्या है, पर ये इसकी बातें नहीं सुनता, इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। उतनी मीडिया बोलो अपने छड़ी से इसके ऊपर हमला कर देता है जिसके बाद ये दूर जाके गिरता है। डियाबोलो फिर लेडी से पूछता है आखिरकार उस बच्चे को हील करना क्यों चाहती है, जिसके बाद वो लेडी यहाँ पे इसे निशान दिखाती है जो कि इस बच्चे के लेग पे हुए होते हैं जहाँ पे 8 मार्क के निशान होते हैं। डियाबोलो सोचता है इस चीज को तो उसने गेम में भी देख रखा है। ये सब बताते हैं ये डेथ किनेल डिसीज है, अगर एक और मार्क यहाँ पे आया तो मारा जाएगा। डियाबोलो इस लेडी से पूछता है आखिरकार इसे क्योर कैसे किया जाए, तो ये लेडी से बताते हैं कि बिना प्रेस्ट के इसे हील नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब ये जल्दी ही मारा जाएगा। तो लोमा ने कह दिया तो फिर हमें जल्दी से चढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे हॉर्न कहती है कि उन्हें बड़े डोनेशन चाहिए जब जाके वो हमें हील करेंगे, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मर रहे हो या फिर तुम्हारे बच्चे। तो यहाँ पे लोमा कहती है तो काफी ज़र क्रूअल है। तो हॉर्न इसे कहती है कि सिटी ऐसे ही काम करती है, यहाँ के लोग ऐसे ही है। तो लोमा कहती है कि मैं इसे क्योर करूंगी। उतने में यहाँ डियाबोलो इसे कहता है कि तुम इसे क्योर कर सकते हो, मुझे पता है तुम इस चीज को कर सकते हो। लोमा फिर अपने प्रेयर को यहाँ पे शुरू कर देती है, जिसकी कुछ देर बाद यहाँ पे एक लाइटनिंग चमकती है। लोमा गॉड से मदद मांग रही होती है, गॉड इसकी आवाज सुन लेते हैं और इस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक लाइट इस बच्चे के ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद ये बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। और इस बच्चे को देख के उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है, इसकी माँ इसका शुक्रिया करती है। लोमा कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो इस बात को लेकर खुश है कि वो उस बच्चे की मदद कर पाए। पर अचानक से यहाँ पे भूकंप आने लग जाते हैं, इनमें से किसी को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। उतरे में एक आदमी घंटी बजाते हुए कहता है एक मॉन्स्टर इन्हीं की सिटी की तरफ बढ़ रहा है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि इन्हीं की सिटी की तरफ आ रहा होता है। हॉर्न इसे बताती है एक सैंड व्हेल है, अगर ये सिटी से टकराई तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। ये शिप जानबूझ के इस व्हेल को इस सिटी की तरफ ला रहा होता है ताकि वो निकल पाए। उतने में ये लोग सोचते हैं आखिरकार ये लोग इसे कैसे रोकेंगे। डियाबोलो कहता है तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स मैजिक का यूज करने वाला है जिसके बाद वो व्हेल को आसानी से हरा देगा। ये लोग कहते हैं कि डियाबोलो ये सचमुच कर पाएगा। डियाबोलो कहता है कि लगता तुम भूल गए, मैं एक दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड हूँ, मेरा नाम डियाबोलो है। जिसके बाद डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे एक ब्लैक होल टाइप की चीज बना देता है और साथ ही साथ वो अलग अलग टाइप की मैजिक यूज कर रहा होता है। पर उसके बाद भी इसे विश्वास नहीं होता कि इस बड़े मॉन्स्टर को हरा पाएगा कि नहीं। पर डियाबोलो सोचता है कि वो डियाबोलो है, वो कुछ भी कर सकता है, जिसके बाद अपनी पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले से जो व्हेल है उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और एक जगह आके वो रुक जाता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं डियाबोलो का जो मैजिक है वो शुरू हो जाता है और उस व्हेल के सामने एक ब्लैक होल आ जाता है और धीरे धीरे करके इस व्हेल की जो बॉडी है उस ब्लैक होल में जाने लग जाती है। पर फिर भी डियाबोलो को यकीन नहीं हो रहा होता कि स्पेल उसके ऊपर काम करेगा कि नहीं, वो दूसरे स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है। पुरते में कोई यहाँ पे एक स्पीयर की मदद से इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो सोचता है आखिरकार इतना बड़ा हमला किसने किया होगा। पर उतने में एक लेडी अपनी वेपन का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और यह हमला इस लेडी ने दूर से मारा होता है। डियाबोलो समझ जाता है ये मैजिक गन है, पर डियाबोलो सोचता है आखिरकार इतनी पावर के
किसी के पास कैसे हो सकती है। यहाँ पे शरा डियाबोलो का शुक्रिया कर रही होती है कि उसकी वजह से पूरी सिटी बच गई। सभी लोग डियाबोलो का शुक्रिया कर रहे होते हैं, पर डियाबोलो कहता है इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे लोमा भी डियाबोलो का शुक्रिया करती है, वो कहती है अगर डियाबोलो नहीं होता तो शायद ही कोई बच पाता होता। तो हम देखते हैं एक आदमी यहाँ पे आ जाता है जो की डियाबोलो से पूछता है कि वही वो आदमी है जिसने उस वेल के ऊपर पहला हमला किया था। डियाबोलो इस आदमी को कहता है कि हाँ वो हमला मैंने किया था। इस आदमी का सर वही आदमी होता है जो कि पहले डियाबोलो से बहस कर चुका है। ये इसे बताता है कि हेड ऑफ पैलेडिन है जिनका नाम बटूटा है। डियाबोलो फिर बटूटा से पूछता है कि वो मार्शल आर्ट वाला हमला इसने किया था। बटूटा इसे कहता है कि वो उसे 7-स्टार ब्लास्ट कहलाता है और हाँ वो हमला इसने किया था। उतने में लूमा बटूटा से पूछते हैं आखिरकार पैलेडिन ब्रिगेड क्या है और ये चीज किसने बनाई। और लूमा को तो बिल्कुल याद नहीं है कि इस चीज की उसने कभी परमिशन दी भी थी या फिर उसने इस चीज को खुद बनाया है। उतने में बटूटा के एक आदमी को गुस्सा आ जाता है जो की कहता है कि सर आपको इसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग घटिया लोग है जो की एडवेंचर के नाम पे अपने आप को महान बताते हैं। पर अचानक से बटूटा इसके ऊपर हमला कर देता है और लूमा के सामने झुके कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, जब आप छोटी थी तभी मैं आपसे मिला था, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, आप ही लूमा समाओ। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे एक दल के आदमी ने आपसे बदतमीजी से बात की, मैं उसे अच्छे से पनिश करूंगा। डियाबोलो सोचता है लगता है वो इसके ऊपर भरोसा कर सकता है। उतने में वो गन वाली लेडी भी यहाँ पे आ जाती है जिसको देख के डियाबोलो समझ जाता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और ये वही है जिसने टावर के ऊपर से हमला किया था उस मॉन्स्टर के ऊपर। ये लेडी यहाँ पे आती लूमा की बेइज्जती करने लग जाती है तो बटूटा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम लेडी लूमा की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। ये फिर से कहती है कि तुम मुझे थोड़े अच्छे से तमीज से बात करो मुझसे क्योंकि मैं सिटी की लॉर्ड हूँ। ये लेडी अपना नाम फैनिस लेमिनेटिस बताती है जो कि इस सिटी की लॉर्ड है। फैनिस फिर लूमा से पूछती है क्या वो हेड प्रिस्ट है। लूमा इसे कहती है कि हाँ वही हेड प्रिस्ट है। तो ये कहती है इसे लगा नहीं था कि इन सारे ठगों की लीडर एक छोटी सी बच्ची होगी। तो लूमा इसे पूछती है तुम्हारा मतलब क्या ठग से। तो फैनिस इसे बताती है हार्डली कुछ करते है पर उसके बावजूद ये काफी बड़े बड़े डोनेशन मांगते लोगों से ताकि उनको हील कर सके। तो बटूटा इसे कहता है आपकी वजह से ये सब हुआ है क्योंकि आपने हमारे चर्च को बंद कर दिया और ऊपर से हमारे ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगा दिए जिसके बाद हमें अपने बिलीवर से बड़े बड़े डोनेशन मांगने पड़े। तो फैनिस इसे कहती है कि वो गॉड है ना जो तुम्हारे लिए आराम से ब्रेड और वाइन बनाते हैं। लूमा फैनिस को कहती है वो सब सिर्फ गॉड में मानने वालों में से। तो फैनिस इसे कहती है वो खुद गॉड नहीं, ये तो काफी बुरी बात है। उतने में लूमा फैनिस को बताती है कि गॉड में ये बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि गॉड इनकी हमेशा हर कठिनाई पे मदद करेंगे, वो इनकी हर चोट को ठीक करेंगे। तो फैनिस इसे कहती है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है और वो लूमा के ऊपर गन तान देती है। वो कहती है कि अगर गॉड तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उतने में हम देखते हैं डियाबोलो और बटूटा इसके ऊपर हमला कर देते हैं। फैनिस इनके अटैक को डॉज कर देती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे गॉड तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए? अगर तुम्हें गॉड के ऊपर इतना ही विश्वास है तो ये सब हमारी लड़ाई के बीच में क्यों आ रहा है? पर वैसे भी मैं इस चीज के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं तो उस इंसान को यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हूँ जिसने उस स्पेल को यूज किया था, जिसने उस पहली बार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया था। पर डियाबोलो इसे एक पल के लिए इग्नोर कर देता और इसे पूछता है कि आखिरकार वो इंसान अगर इसे मिल गया तो ये क्या करेगी। इसे कहती है वो इसी के लेवल का, इसी वजह से वो इसे फॉलो करने के लिए कहेगी और इसी के साथ वो लड़ेगी, अगर उसने इसे फॉलो करने से मना कर दिया तो उसे मार देगी। ये कहते हुए फैनिस यहाँ से चली जाती है। डियाबोलो समझ जाता है कि फैनिस को एहसास हो गया है कि डियाबोलो वो पर्सन है। बटूटा फिर फैनिस की बदतमीजी के लिए लूमा से माफी मांगता है और इन्हें अपने मेंशन के वहाँ ले जाने लग जाता है जहाँ पे आराम कर सकते। उतने में शहरा को कुछ लोग लाइन लगाते हुए दिखते हैं जो कि काफी बड़ी लाइन होती है जिसे लूमा भी देख लेती है और वो पूछती है आखिरकार बच्चे और हर कोई इस लाइन में क्यों लगा हुआ है। तो यहाँ पे बटूटा इसे बताता है कि जो प्रीस्ट है वो काफी कम है इनके पास, इसी वजह से ये सभी उनका इंतजार कर रहे हैं पर प्रीस्ट काफी कम आते हैं इनको हील करने के लिए। और वहीं पे ये लोग दूसरी लाइन देखते हैं जो कि अमीरों की होती है जिन्हें काफी बड़ा डोनेशन दिया होता है जिन्हें प्रीस्ट पहले हील करेंगे। बटूटा इन्हें कहता है ये सब ये जानबूझ के नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे टैक्स ज्यादा है और ऊपर से इनका चर्च छीन गया है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये चाहते तो है मजबूरों की हेल्प करना पर चाह कर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए इन्हें मोटी डोनेशन लगेगी जो कि इन्हें सिर्फ अमीर दे सकते। लूमा समझ जाती है यहाँ काफी ज्यादा लोग है इसी वजह से ये लोग इन्हें हील नहीं कर पा रहे। फिर हम देखते हैं ये लोग बटूटा के मेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग इन्हें कड़ी चावल देते हैं जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, खासकर की डियाबोलो क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद पहली बार वो कड़ी खा रहा होता है, उसे लगा नहीं था कि उस दुनिया में आने के बाद कड़ी खा पाएगा। डियाबोलो को काफी अच्छा लग रहा होता है पर उतने में वो देखता है कि लूमा के हाथ में चोट लगी हुई है। लूमा इसे बताती है कि लगता है ये फाइट के दौरान लगी होगी। साथ ही साथ लूमा इसे ये भी बताती है कि अपनी मिरेकल पावर का यूज अपनी बॉडी पे खुद नहीं कर सकती। लूमा फिर यहाँ बटूटा से कहती है वो खाने के बाद उसे मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ डियाबोलो को जो कि नहा रहा होता है जिसे काफी मजे आ रहे होते हैं। यहाँ पे शरा आ जाती है जो कि कहती है क्या वो डियाबोलो को ज्वाइन कर सकती है। डियाबोलो कहता है कि उसके जो मन में आए वो कर सकती है। डियाबोलो की ये बात सुन के शरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने कपड़े उतार के डियाबोलो के साथ नहाने लग जाती है। डियाबोलो जब देखता है कि शरा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो वो शरा से पूछता है आखिरकार शरा ये सब क्या कर रही है। शरा से बताती है कि वो डियाबोलो की पीठ की मसाज करना चाहती है और उसे साफ भी कर देगी। डियाबोलो कहता है
कि मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, अगर मैं जरा से भी उठा तो मेरे कुछ और उठ जाएगा। डियाबोलो फिर यहाँ पे शांति से बैठ जाता है। शेरा इसकी पीठ की मसाज करने लग जाती है और उसे साफ सफाई करने लग जाती है। शेरा फिर से कहती है कि वो अपने बॉडी से डियाबोलो को साफ करना चाहेगी और वो अपने बलून से डियाबोलो को साफ करने लग जाती है, पर शेरा को यहाँ पे गर्मी लगने लग जाती है। वो कहती है वो काफी ज्यादा एक्साइट फील कर रही है। शेरा फिर डियाबोलो के कुछ ऐसे पार्ट को हाथ लगा लेती है जो की काफी ज्यादा हार्ड और थिक होता है। शेरा काफी अजीब सा फेस बना रही होती है, पर हमें पता चलता है वो तो उसके सिंह को हाथ लगा रही थी, जो कि एक नॉर्मल बात है। हमें फिर बटूटा के यहाँ दिखाया जाता है जो कि लूमा से यहाँ बात करने के लिए आ चुका होता है। लूमा कहती है कि उसके लिए वो काफी देर से वेट कर रही है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो कि मेरा डेली का डायलॉग है, बस ये कहता रहूंगा। और कई जो नए लोग आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कई सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, आपको पसंद आए आप जाके देख सकते हो, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप उन्हें देख के हमें कमेंट पे बता सकते हैं आपको कहानी कैसी लगी कैसी नहीं, और उसके बाद तो हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।